गाइस वेलकम बैक टू चैनल क्लास। मैं पापना मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी वर्ल्ड मैप पर, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्लास है, बस 2 या 3 मिनट की हो गई ये वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं है। लास्ट टाइम वाली हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा समझाना उसमें पड़ता ही है। तो देखते हैं ये वाली क्लास में क्या क्या है। तो वर्ल्ड मैप हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पीछे ये सब पढ़ लिया है कि द्वीप महाद्वीप ये सब क्या होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लैंड लॉक कंट्रीज़ क्या होती है। तो लैंड लॉक कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ जिसके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं हो और वो चारों तरफ से लैंड से ही घिरी हो। जैसे कि हमारे यहाँ हो गया भूटान, हो गया नेपाल, हो गया उसके इधर चाइना, नीचे अपना इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये सारी कैसी कंट्रीज है, ये कंट्री है लैंड लॉक कंट्री। तो ठीक है, पूरी दुनिया में टोटल कितनी लैंड लॉक कंट्री है, तो वो है दुनिया में कुल 44। और इसका देख लेते हैं ऐसे देश जिनके चारों तरफ दूसरे देश है, मीन्स लैंड है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डबल लैंड लॉक। अब डबल लैंड लॉक क्या होता है, तो डबल लैंड लॉक वो ऐसी कंट्रीज जिसमें क्या है कि जो जिससे मतलब घिरी हुई है वो कंट्री आपस में ही मतलब खुद से ही लैंड लॉक वो भी है, मीन्स उनके मतलब बाहर भी कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। तो ऐसे दुनिया में कुल कितने कंट्रीज हैं, तो वो हैं दो। एक है उज्बेकिस्तान, ये हमारे एशिया में ही पड़ता है। दूसरा है लेजिस्टीन, क्या है लेजिस्टीन, ठीक है स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। लेजिस्टीन है, ये हमारा यूरोप में है, ठीक। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं एशिया के बारे में ना, तो लेजिस्टीन हमारा हो गया यूरोप में, ओके। अब हम देख लेते हैं कि कैसे, हाँ ऐसा जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया मैप, जैसे एशिया हमारा यहाँ पर है। तो हम ये देखेंगे कि जब एशिया देखते हैं तो ऊपर का ज़्यादातर ही हिस्सा जो है एशिया का वो ले जाता है हमारा रशिया, ठीक है। तो हम नीचे देखेंगे आके, नीचे में कौन कौन सी मतलब साउथ एशियन कंट्री हम देखेंगे आके, ठीक है। ये जो साउथ में पड़ जाती हैं ये वाली कंट्रीज हम देखेंगे आके। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो साउथ एशिया में आती है, एशिया के दक्षिणतम भाग में आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया वालों की, मीन्स यहाँ पर जो कंट्री है साउथ एशिया में, उन्होंने अपने आप में ही एक संघ बना के रखा हुआ है, और उसका नाम हम लोग जानते हैं क्या है, सार्क, ठीक है। क्या नाम है, सार्क है। तो इसका नाम सार्क क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी रीजन है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, सार्क। सबसे पहले तो हमने आपको बताया साउथ एशियन, तो साउथ एशिया से साउथ एशियन हो गया। एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये क्या है मतलब कि रीजनल सहयोग, मीन्स हम लोग वैसे तो नहीं कर सकते हैं कि हम मुद्रा वगैरह का कर सकते हैं, बट हाँ आपस में थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं कि हम लोग आसपास ही रहते हैं। जैसे कि जो दूसरी कंट्रीज होंगी जो सार्क में नहीं आती होंगी उनसे हमारा भारत ज़्यादा टैक्स ले सकता है, बट जो सार्क में आती है उनसे कम टैक्स लिया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत ये जो सहयोग होता है, तो ये सार्क में जितनी कंट्रीज आती हैं वो उनको मिल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी कितनी कंट्रीज है, तो टोटल तो है 8 कंट्रीज, नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आया हमारा मालदीव, सेकंड वन नीचे से पढ़ रहे हैं, पूरा लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारा मालदीव, फिर क्या है यहाँ पर हमारा भारत हो जाता है, नीचे है श्रीलंका, मालदीव के बाद आ गया श्रीलंका सेकंड नंबर पर, फिर आ गया भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, इसके बाद यहाँ पर आएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। हो गया पूरा 8 कंट्रीज। देखेंगे अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ओके। तो टोटल कंट्रीज कितनी है, 8 कंट्रीज है, ठीक है गाइस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। और अब नेक्स्ट कल की जो क्लास होगी हमारी, तो वो यही पहले हमारे जो एशिया की जो कंट्रीज है उस पर होगी, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस, थैंक यू।